हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो में बना रहे राधा और कृष्ण भगवान की मूर्ति। पहले तो दोस्तों कुछ ढेर सारे मिट्टी ले लेंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसे चपटा कर देंगे स्क्वायर शेप में। दोस्तों इस मिट्टी को स्क्वायर शेप में बनाने के पश्चात दोस्तों हमने पतला सा कॉइल बना के इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से बीच में चिपका देंगे और दोस्तों वहाँ पे कुछ टूल की मदद से सिंपल सा डिजाइन बना लेंगे और दोस्तों ऊपर में कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे हाथ में मतलब पानी लेके। और यहाँ पे दोस्तों हम राधा रानी और कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाएंगे। पहले तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कॉइल बना लेंगे दो पैर के लिए, मतलब राधा रानी को बाद में बनाएंगे, पहले कृष्ण भगवान को बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से कॉइल बनाने के पश्चात दोस्तों अभी हम बना रहे पैर कुछ इस प्रकार से बनाकर दोस्तों वहाँ पे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ उसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों पैरों को बनाने के बाद दोस्तों अभी देख सकते हो कोला करके मिट्टी ले लिए और उसे अभी दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों ये को कमर बना रहे हैं, मतलब पेट बना रहे हैं। दोस्तों अभी दोस्तों हम जो धोती बना रहे कुछ इस प्रकार से मिट्टी थोड़ा थोड़ा दे के स्लेब की तरह बना करके इस प्रकार से वहाँ पे चिपकाते से देंगे और दोस्तों इसे फिनिशिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इसको फूल की मदद से फोल्ड को कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे, जैसे फोल्ड होता है उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उसी के हिसाब से वहाँ पे बना लेंगे और ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से वहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे। धोती बनाने के बाद दोस्तों अभी जिस प्रकार से कोयल की मदद से अभी जैसे पैर को बनाए थे उसी प्रकार से हाथ को भी बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। कोयल ले लेंगे और दोस्तों उसे उंगलियाँ भी बना लेंगे छोटे छोटे करके, देख कुछ इस प्रकार से कोयल बना लेंगे छोटा छोटा और उसी प्रकार से यहाँ पे चिपकाते जाएंगे, बस हो जाएगा उंगलियाँ। दोस्तों एक हाथ को जैसे बनाए थे उसी प्रकार से दूसरे हाथ को भी बना लिए और दोस्तों अभी कुछ इस प्रकार से छोटा सा लकड़ी लेके वहाँ पे उसे बाउंसी की तरह बना लिए कुछ इस प्रकार से पकड़ा दिए हैं वहाँ पे कृष्ण की। और दोस्तों अभी कंगन जो सोना जो बनाते हैं उसे भी पहना दिए हैं। दोस्तों कृष्ण भगवान का इतना बनाने के पश्चात दोस्तों अभी हम बना रहे हैं राधा रानी को। पहले तो दोस्तों दो कॉइल बना लेंगे और उसके ऊपर में मिट्टियाँ थोड़ा थोड़ा दे देंगे और दोस्तों उसी के ऊपर में कुछ ढेर सारा मिट्टी लेके मतलब स्लेब बना के उसे साड़ी बना रहे कुछ इस प्रकार से। वहाँ पे स्लेब बना करके इसी प्रकार से ढक लेंगे चारों तरफ और इसी तरह मिट्टी देते जाएंगे साड़ी की तरह बना देंगे। साड़ी को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम राधा रानी की कमर बना रहे कुछ इस प्रकार से ढेर सारा मिट्टी ले लेंगे और दोस्तों वहाँ पे थोड़ा पतला करके गला करके उसे वहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, जॉइंट कर दिए हैं और उसी प्रकार से बनाते जा रहे हैं जिस प्रकार से। और दोस्तों टूल की मदद से जितने भी मिट्टियाँ ज़रूरत है वहाँ पे निकाल लेंगे और दोस्तों इसी प्रकार से बनाते जा रहे हैं, देखते रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी दोस्तों अभी हम बना रहे हैं राधा रानी की हाथ, जो कि पीछे
कृष्ण भगवान की कांधे पे हाथ रखा है, और दोस्तों दूसरे वाला हाथ भी कांधे पे रखा है और माते को भी वहाँ पे कांधे पे ही लेटकर सोई होगी, कुछ इस टाइप का बना रहे हैं राधा रानी को। देखते रहिएगा वीडियो में, आगे बनाते जाएंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी दोस्तों कृष्ण भगवान की गहने वगैरह बना रहे हैं, जो कि कमर बंधन ये सब, दोस्तों ये सब लास्ट में बना रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा ही बना लेंगे। जैसे कि गहने वगैरह है उसी को पहले ही हाथ बना चुके हैं, इसलिए थोड़ा नीचे की टाइप, मतलब नीचे के साइड में बना नहीं पाएंगे, इसलिए छोटा छोटा ही बना लेंगे गहने वगैरह। और दोस्तों अभी राधा रानी की पेस बना रहे, कुछ इसी टाइप के, मतलब माप ले लिए, और दोस्तों उसी टाइप से राधा रानी के पेस के हिसाब से बना रहे हैं। दोस्तों देखते रहिएगा वीडियो में। दोस्तों पेस को बनाने के लिए दोस्तों पहले तो मिट्टियां ले लिए, और दोस्तों जहां पे आँख को बनाएंगे उसी के ऊपर दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे थोड़ा, और दोस्तों वहां पे थोड़ा छोटा छोटा गल गल करके मिट्टियाँ दे देंगे, और दोस्तों उसी के ऊपर छोटा छोटा कॉइल करके उसके ऊपर दे देंगे, और दोस्तों उसी प्रकार से बनाते जाएंगे। जैसे देख सकते हो मैं बना रहा हूँ, कुछ इसी टाइप से बनाते जाएंगे। अभी दोस्तों बना चुके हैं राधा रानी की पेस, कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। दोस्तों सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं बाल, बाल को दोस्तों कुछ मिट्टियाँ दे देंगे, और दोस्तों वहाँ पे टूल की मदद से वहाँ पे बना देंगे बाल को भी। इसी टाइप से दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की भी बना लेंगे फेस को। अभी दोस्तों अभी हम बना रहे श्री कृष्ण भगवान की पेस। दोस्तों जैसे राधा रानी जी के बनाए थे उसी प्रकार से, उसी टाइप से बना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी के पेस को बना देंगे, मतलब उसी टाइप से। बनाने के बाद दोस्तों अभी हम कृष्ण भगवान की पेस को जॉइंट कर रहे हैं। दोस्तों उसी प्रकार से थोड़ा टेढ़ा रख देंगे मुँह को, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सब कुछ बनाने के बाद अभी हम बना रहे बाल को। दोस्तों नीचे के साइड में थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे देंगे, और थोड़ा गर्दन भी, मतलब राख नहीं आएगी वो सपोर्ट बन जाएगी बाल दे देंगे तो, मतलब बना देंगे तो। अभी दोस्तों माते के मुकुट बना रहे दोस्तों, वो मुकुट थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे दोस्तों, वहाँ पे इतना ही रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो राजा की तरह दिखाई देगा। यहाँ पे तो थोड़ा बंसी, मतलब राधा रानी भी है, इसलिए थोड़ा छोटा वाला ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे खाने की वाली भी सब कुछ बना देंगे, और दोस्तों इसी टाइप से बना दिए हैं। दोस्तों इसको सब कुछ बनाने के पश्चात दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कंप्लीट हो चुकी है, और दोस्तों और एक हाथ का गहने बच गया था उसे बना लेंगे। दोस्तों उसी को बनाने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कंप्लीट हो चुकी है, और दोस्तों ये देख सकते हो कृष्ण और राधा रानी की फाइनल लुक। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए भाई जो हिंद, अपना ख्याल रखना, और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।